अल्हम्दुलिल्लाह प्रिय विद्यार्थियों आज की सभा में इन अल्लाह के अंतिम वसल्लम के सुरमे के बारे में चर्चा होगी <स्थियों> अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका कथन है कि इसमिद नामी सुरमा का प्रयोग करो क्योंकि इससे दृष्टि साफ़ होती है इससे निगाह तेज़ होती है और इससे पलकों के बाल उगते हैं ऐसे ही जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाहु कहते हैं कि अल्लाह के संदेशा वसल्लम ने फ़रमाया कि इसमित नामी सुरमा लगाया करो सोने से पहले सोने के वक्त क्योंकि इससे निगाह तेज़ होती है दृष्टि साफ़ होती है उज्जवल होती है और पलकों के बाल उगते हैं इसी अर्थ की हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास रज अल्लाहुमामां और अब्दुल्ला बिन उमर रज्लाम से भी आई है ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि अल्लाह के अंतिम संदेशा की आकृति और स्वभाव के संबंध में ये बातें हम हदीस के प्रसिद्ध विद्वान इमाम तिर्मिजी की प्रसिद्ध पुस्तक अशमाइल अलमहमदिया से ले रहे हैं जिसका अनुसंधान हदीस के महाग्निनी रहमहुल्लाह ने किया है और उसकी छानबीन करके उसे سد بطلاياه والله اعلم والحمد لله رب العالمين